नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चार्जर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे एक ऐसे बेहतरीन एक्सटेंशन के बारे में जिसकी मदद से आप मिनिमम इंटरनेट डाटा या फिर मोबाइल डाटा में मैक्सिमम वर्क का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्या ये एक एक्सटेंशन और किस प्रकार से आप इस एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कुछ नॉलेजेबल सीखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको राइट साइड में थ्री डॉटेड आइकन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर कस्टमाइज और गूगल कंट्रोल गूगल क्रोम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ आपको मोर टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मोर टूल्स के ऑप्शन में आपको नीचे थर्ड नंबर का ऑप्शन मिलेगा, एक्सटेंशन का ऑप्शन। आप सिंपल इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप एक्सटेंशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में मेन मेनू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको उसके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में नीचे आपको ओपन मिल जाएगा, ओपन क्रोम वेब स्टोर। आप इसे डायरेक्ट लिंक के द्वारा भी इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसे ओपन कर लेंगे, आपको लेफ्ट साइड में सर्च आइकन देखने को मिल जाएगा, फिर सर्च बार देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको सर्च बार में टाइप करना डाटा सेवर। जी हाँ, डाटा सेवर। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। अब जैसे आप डाटा सेवर देख लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट नंबर का जो आइकन है, आपको ब्लू कलर का आइकन देखने को मिल जाएगा। सिंपल देखिए इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी स्टार रेटिंग आप ऐसे देख सकते हैं, 4.5 के लगभग इसकी स्टार रेटिंग है। आपको सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। और मैं आपको कुछ इससे स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। जो डाटा सेवर है ऑफिशियल गूगल का प्रोडक्ट है, आप इसकी मदद आप अपने डाटा को बचा सकते हैं, कम से कम डाटा में अपना मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपने इसका सिंपली ओवरव्यू देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से रिव्यूज, कस्टमर के रिव्यूज यहाँ से देख सकते हैं, किस प्रकार से कस्टमर के रिव्यूज आए एक्सटेंशन को लेके। आप अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। सिंपली आपको करना है कि आप किसको यूज करने के लिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए अपना जो इसकी साइज देख सकते हैं, 320 KB के लगभग इसकी एक्सटेंशन की साइज है। आप इसे अपने गूगल क्रोम पे ऐड कर सकते हैं और ये ऑफिशियल गूगल का प्रोडक्ट है, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर यूजर्स देख सकते हैं, इसके लगभग 9 लाख के लगभग इसके यूजर्स हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके और इसे ऐड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम पे ऐड कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे रिमूव ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे आप इसे ऐड कर लेंगे, इसके बाद आप न्यू टैब ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको राइट साइड में कुछ इस प्रकार का इसका आइकन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको करना है कि इस पर लेफ्ट क्लिक कर लेना है माउस का। तो जैसे हम इस पर लेफ्ट क्लिक ओपन कर लेते हैं, आपको कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा। सिंपल इस ग्राफ की मदद से आप जान सकते हैं आपने पर डे कितना डाटा कंज्यूम करा और कितना डाटा आपका सेव हुआ। अगर आप किसी में और डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप सिंपल आपको डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए डिटेल्स ऑप्शन में। तो जैसे आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। सिंपल एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा। इस ग्राफ में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए ऊपर की तरफ कैटेगरीज में आपको स्पेशल आप जो टाइम एंड डेट्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्पेशली 1 घंटे का सेलेक्ट करना चाहते हैं, ड्यूरेशन 3 घंटे का, 1 डे का, 7 डे का या फिर 30 डेज का, फिर ड्यूरेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट 30 डेज में आपने कितना डाटा कंज्यूम किया या फिर कितना डाटा सेव किया, वो आप यहाँ से डायरेक्ट इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। आप यहाँ से 2 मंथ तक, मैक्सिमम 2 मंथ तक आप यहाँ देख सकते हैं आपने कितना डाटा बचाया है फिर सेव किया है। इसमें कुछ अनदर ऑप्शन आपको देखने मिल जाते हैं, जिसमें आप सिंपली रीसेट डाटा पे करके अपना पूरे डाटा को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डाटा सेवर के ऑप्शन में आपको ऊपर की तरफ देखिए बाय डिफॉल्ट ऑन पे टिक मार्क देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफ करने के लिए अनचेक कर दीजिए और अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर वापस दोबारा आप चेक कर लेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इसमें डिटेल देख सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देखिए, आप जो साइट आपने विजिट करी है और जो उसके ओरिजिनल साइज क्या है और आपने कितना डाटा कंज्यूम करा और कितना डाटा सेव किया, आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाएगा। तो ये बेहतरीन एक्सटेंशन है जिसकी मदद से आप अपने डाटा को सेविंग कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप भी इसे यूज़ कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कोई सुझाव है इस वीडियो रिलेटेड या फिर हमारे प्रीवियस वीडियो रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट से कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।